मान्य विधायक श्री शैलेश सिंह जी, पलटू राम जी, कैलाशनाथ शुक्ला जी, राम प्रताप वर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित देवपाटन के महंत जी, उमा शंकर वर्मा जी, प्रदीप सिंह जी, राम सुंदर चौधरी जी, पूर्व सांसद श्री पदम सिंह चौधरी जी और इतनी भारी संख्या में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी उपस्थित कार्यकर्ता और इस क्षेत्र के सभी उपस्थित नागरिक बंधुओं, लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 12 मई को आप सबको देश के भाग्य का चुनाव करना है। भाइयों बहनों, ये चुनाव देश बनाने का चुनाव है और देश तब बनेगा जब इस देश के निर्माण के लिए, भारत के विकास के लिए समर्पित हाथों में इस देश को आप सौंपेंगे। हम सब जानते हैं कि आज देश के अंदर चारों ओर एक गूंज है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, जहां कहीं आप जाएंगे आपको एक ही नारा, एक ही गूंज सुनाई देगी और भारत का हर जागरूक मतदाता केवल एक ही बात की इच्छा रखता है और वह इच्छा इस गूंज में सुनाई देती है पूरे देश के अंदर कि फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। भाइयों बहनों, मोदी सरकार की गूंज जो देश के अंदर सुनाई दे रही है अचानक नहीं है, इसके लिए मोदी जी ने कार्य भी किया। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ाया, योग को दुनिया के अंदर वैश्विक मानचित्र पर लाने की मक्का मामला रहा हो, कुंभ को वैश्विक मान्यता दिलाने का मामला रहा हो या फिर पूरी दुनिया के अंदर भारत की ताकत का एहसास कराने का रहा हो, दुश्मन को दुश्मन के देश में घुस करके मारने की क्षमता आज के दिन पर भारत में है। भारत ने अभी हाल ही में पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकी कैंपों को नष्ट करके अपनी ताकत का एहसास कराया है और ताकत का एहसास कराने के लिए योग्य नेता चाहिए। उस योग्य नेता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की 130 करोड़ जनता को उस योग्यता का परिचय भी दिलाया है। भाइयों बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, विकास के लिए जो कार्य 5 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में हुआ है, हाईवे बनने के काम शुरू हुए, रेलवे के काम हुए, वाटरवे का काम हुआ या फिर कई मेडिकल कॉलेज, कई इंजीनियरिंग कॉलेज, कई पॉलिटेक्निक, कई डिग्री कॉलेज, जहां जिसकी जो आवश्यकता थी उस आवश्यकता के अनुरूप कार्य भी करके दिखाया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और साथ साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी 1.5 करोड़ गरीबों को मकान मिलना, 4 करोड़ गरीबों को विद्युत के कनेक्शन निःशुल्क उपलब्ध कराना, 7 करोड़ गरीबों को, गरीब महिलाओं को रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराना, 9.5 करोड़ गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध कराना, 12.5 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रूपये सालाना देने की व्यवस्था करना और भाइयों बहनों, 15 करोड़ नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्टैंडअप की योजना में आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना, 37 करोड़ गरीबों को बैंक में खाता खुलवाने की व्यवस्था जनधन योजना में करना और यही नहीं 50 करोड़ गरीबों के लिए
प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष्मान भारत में निःशुल्क 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किसी ने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एक तरफ 5 वर्ष का थी नरेंद्र मोदी जी का कार्य और दूसरी तरफ 55 वर्षों का कार्यकाल कांग्रेस का। 20 वर्ष तक प्रदेश में सपा बसपा सपा इनकी सरकारें आती गई, लूट खसोट बढ़ती गई, अराजकता बढ़ती गई, दंगे होते रहे, गरीब का हक मारा जाता रहा और अंततः एक गरीब किसान भुखमरी के कगार पर आत्महत्या करने के मजबूर होता था। 2 वर्ष पहले प्रदेश में हमारी सरकार भी आई। हमारी सरकार आई तो हमने वही प्रधानमंत्री मोदी जी के स्लोगन को याद किया और उसी को अक्सर सर पालन किया। हमने प्रदेश के अंदर थारू जनजाति से जुड़े हुए तमाम गांव यहां पर हैं। हमारी सरकार ने एडवाइज किया कि हर थारू जाति के हर परिवार के पास अपना मकान होगा और हम हर परिवार को एक एक मकान दिलाने की कार्रवाई कर रहे हैं। उनके गांव में बिजली होगी, हमारी सरकार उन्हें बिजली दे रही है। हमने हर गरीब परिवार को एक एक शौचालय दिया। हमने हर गरीब के गांव को सड़क बनाने की व्यवस्था की। और यही नहीं, किसान आजकल गेहूं की खेती आपकी तैयार हुई होगी। 2 वर्ष पहले तक एक किसान को 1 क्विंटल गेहूं का दाम 900 से 1000 रुपए से अधिक नहीं मिलता था। आज आप किसी भी क्रय केंद्र में जाएंगे, आपका 1 क्विंटल गेहूं का दाम वहां तोला जाएगा, आपको पर्ची मिलेगी और 1860 रुपए आपके खाते में सीधे 48 घंटे के अंदर जाएगा। ये करके किसी ने दिखाया है? ये हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, कहने की आवश्यकता नहीं, जब प्रदेश में हमारी सरकार आई थी हमने पहला काम किया किसानों के कर्ज माफी का। हमने दूसरा कार्य किया बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया। हमने तीसरा कार्य किया, प्रदेश के अंदर जितने अवैध कूचड़खाने जम रहे थे इन अवैध कूचड़खानों को एक झटके में पूरे प्रदेश के अंदर बंद करवाया। हमने चौथा कार्य किया कि प्रदेश के अंदर जिन भी भूमाफिया ने सत्ता के संरक्षण में सरकारी जमीनों पर कब्जा किया था, हमने कहा इन भूमाफियाओं से सरकारी जमीन को वापस लो, सरकारी भवन इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज बनाओ और जो जमीन बचती उसको गरीबों में बंटवाने की कार्रवाई प्रारंभ करो। हमारी सरकार आई ने इसको संदेश दिया था और संदेश साफ था कि गुंडों के लिए जगह या तो प्रदेश की जेल में होगी या फिर गुंडे अगर कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे तो फिर उनकी जगह राम नाम सत्य है कि यात्रा के साथ होगी, कोई और किसी जगह नहीं हो सकती है। भाइयों बहनों, एक तरफ जनता को सुरक्षा की गारंटी देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दूसरी तरफ आपके पर्व आपका त्योहार आपके कोई कार्यक्रम होते थे शांतिपूर्ण ढंग से न हो इसके लिए सपा बसपा की सरकारें दंगा करवाती थी, लगातार अराजकता फैलाती थी, घोषित अपराधी और माफियाओं को अपना प्रत्याशी बनाती थी, गुंडे किस तरीके से गरीबों का जीना हराम कर देते थे, कैसे व्यापारियों को तबाह करते थे, कैसे शरीफों का हराम करते थे, यह सपा बसपा की सरकार के समय आपने देखा होगा। हमारी सरकार आज जिन किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए कार्यक्रम करते हैं, गरीबों को मकान देते हैं, शौचालय देते हैं, समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार आती है तो उनके द्वारा कार्य क्या किया जाता है? पहला कार्य होता है जिन आतंकवादियों ने राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने काशी में शंकर गोचर मंदिर पर आतंकी हमला किया था, जिन लोगों ने रामपुर के सियाच पैथियत कैंप पर आतंकी हमला किया था, जिन्होंने लखनऊ अयोध्या फैजाबाद की कचहरियों पर आतंकी हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कार्य अगर किसी ने किया था समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। भाइयों बहनों, आज इसीलिए हम सब आपके पास आए हैं। एक तरफ आतंकवाद को समाप्त करने वाली सरकार
और दूसरी तरफ आतंकवाद का समर्थन करने वाली कांग्रेस सपा बसपा का गठबंधन आपको तय करना है या देश सुरक्षित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, या देश आतंकवाद के हवाले क्या जाना चाहिए या आतंकवाद का नाश होना चाहिए? आप आतंकवाद का नाश चाहते हैं कि आतंकवाद को पनपाना चाहते हैं? आतंकवाद बुरी चीज है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है ना। एक ये कार्य हम लोगों ने किया। दूसरा, भाइयों बहनों, आपको इस समय बिजली मिलती है या नहीं मिलती है? सपा और बसपा की सरकार में बिजली मिलती थी? नहीं मिलती थी ना। वे बिजली इसलिए नहीं देते थे क्योंकि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती, यहाँ के संसाधनों पर डकैती। वे रात के अंधेरे में ही डालते थे, लूटते थे, गरीबों के लिए आई हुई योजना को डकैती डालते थे। अगर ये बिजली देते तो फिर कहां से उनकी डकैती, उनका लूट खसूट होता? बड़े बड़े माफिया भी आपके बलरामपुर जिले में थे। किसी भी योजना का पैसा आने के पहले एक ठेकेदार बन करके वहां पर आ जाते थे और उसके बाद फिर इनका धंधा शुरू हो जाता था, अराजकता शुरू हो जाती थी। भाइयों बहनों, आज हम सब आपके पास आए आपसे कहने के लिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों के आधार पर हर एक को सुरक्षा, हर एक का विकास, भारत को दुनिया की ताकत बनाने के लिए, दूसरी तरफ कांग्रेस की नेता कहती है कि कांग्रेस वोट कटवा है। हमने एक कुछ दिन पहले मैंने एक नाम सुना था मोहन कुछवा का, आप जानते हैं, सुने हैं? अगर किसी को अपने किसी दुश्मन पर उसको कहीं से बदला लेना है तो लोग रात्रि को हल्ला करते थे, मोनुचुआ आ गया, मोनुचुआ आ गया, और फिर उस दुश्मन की बड़ी धुनाई होती थी। और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस जो वोट कटवा आ गई है, आप सबसे मैं अपील करूंगा कि कांग्रेस का हाथ वैसे भी देशद्रोहियों के हाथ साथ में है, और कांग्रेस वोट कटवा की भूमिका में जो आ गई है, कांग्रेस को पूरी तरह खारिज करते हुए 12 मई को पड़ने वाले चुनाव में आज साबित करें कि कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, क्योंकि कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ, और इसलिए कांग्रेस अगर वोट काटने की स्थिति में ही है, वो चुनाव नहीं लड़ रही है, लोकतंत्र के पर्वों पर विश्वास नहीं करती है, उसको एक सिरे से आप खारिज करिए। दूसरी ओर सपा बसपा का गठबंधन, ये नातेदारी, ये रिश्तेदारी जो चुनाव तक है, और भाइयों बहनों आप देखना 23 मई को परिणाम आएगा। बबुआ बोलेगा बुआ तो भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति है, और बुआ भी बोलेगी ये बबुआ तो गुंडों का सरताज है। इसलिए भाइयों बहनों, जो लोग उसके बाद मारकाट प्रारंभ करेंगे उसकी व्यवस्था हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले 12 मई को कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देकर के, कमल चुनाव चिन्ह पर पड़ने वाला वोट मोदी जी को सीधे सीधे जाएगा, प्रधानमंत्री बनाएगा। इसलिए आप सहमत हैं वोट प्रधानमंत्री मोदी जी को मिले? आप सब सहमत हैं तो 12 मई को श्री दद्दन मिश्र को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी मतों से वोट दें और मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की।